नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दूसरे वीडियो में, जिसमें अब हम देखेंगे कि कैसे मूवली में हम अपनी पर्सनल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी सारी फोटोज इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगी। तो उसके लिए मैं अपने मूवली डैशबोर्ड पे हूँ, जहाँ हमने अपनी पहली वीडियो सेव की थी। अब हम फिर से क्रिएट प्रोजेक्ट को दबाएंगे और हम फिर से नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जैसे ही हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो हमारी नए प्रोजेक्ट की स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं नो थैंक्स, ओके। अब हम इसमें देखते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइब्रेरी में हमारे पास काफ़ी सारी क्लिप्स, इमेजेस, वीडियोस, साउंड्स वगैरह हैं। अगर आप इसका बड़ा रूप देखना चाहते हैं तो हमें बस इन एरोस को क्लिक करना है, जिससे हमें पूरी लाइब्रेरी का एक एक्सटेंडेड या बड़ा व्यू मिलेगा, जिससे हम आसानी से इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे अब ये मुझे लाइब्रेरी का एक बड़ा रूपांतरण देखने को मिल रहा है। मैं इसे बंद करके फिर से अपने नॉर्मल व्यू पे जाती हूँ और यहाँ हम देखते हैं कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक इमेज डालना चाहती हूँ, तो मैंने एक ये साइकिल लिया और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये थोड़ी बड़ी है तो इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाहूँगी और इस साइकिल को मैं यहाँ लेके आऊँगी। मुझे इसका रंग भी नहीं पसंद तो मैं इसको क्लिक करूँगी और मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाकर इसका कलर चेंज कर दूँगी। तो जब मैंने इसका कलर चेंज किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो अब नीला हो गया है। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम इसका जो हम अगर चाहते हैं कि साइकिल दूसरी तरफ से निकले तो हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपर हमारे पास दो बटन्स आ रहे हैं हम इन्हें क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये दो बटन्स हैं, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं साइकिल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये साइकिल वर्टिकली फ्लिप नहीं हो सकती, हम सिर्फ इसे हॉरिजॉन्टली ही फ्लिप कर सकते हैं। अब इसको अगर मुझे इसमें एनिमेशन डालना है तो हम फिर से वही करेंगे। बाइसिकल को मैंने चूज़ किया और हम गए ऐड एनिमेशन पे। एंटर में हम कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें, आप एनिमेशन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं डूडल डालूँ तो हम चलते हैं वापस अपने लाइब्रेरी पे और वहाँ हम लेके आते हैं डूडल मार्कर। अब डूडल मार्कर का फ़ायदा क्या है वो हम अभी देखेंगे। लाइब्रेरी अभी लोड हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये है हमारा एक डूडल, जिसमें एक किताब बनी हुई आएगी जिस पे हम कुछ लिख सकते हैं। इसके लिए आपको बस इसे यहाँ ड्रैग करना है और जैसे ही मैंने इसे यहाँ ड्रैग किया, ये अभी थोड़ा समय लगता है इसको डूडल को आने में, तो अब हम इसको शुरू करके देखते हैं। तो ये बाइसिकल है और नोटबुक साथ आ रही है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें पहले बाइसिकल चाहिए या नोटबुक। तो हम क्या करेंगे, हम बाइसिकल को आगे ले जाएंगे क्योंकि हमें पहले चाहिए नोटबुक। तो मैं बाइसिकल को आगे ले गई। अब हम नोटबुक पे जाएंगे और हमें क्या करना है, हमें फिर से इसे शुरू करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे खुद अपना कुछ लिखना चाहते हैं तो इस पे बस आप दो बार क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कोई अपनी वीडियो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू FDP 3। तो ये मेरा डूडल बन गया जिसको मैंने कस्टमाइज किया है और अपने हिसाब से मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है। अब देखते हैं शुरुआत से कि ये कैसा नज़र आता है। तो ये है हमारी वीडियो, देखिए। तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। ये थी हमारी क्लिप 1। अब इसके अंदर मूवली में हम एक और चीज़ कर सकते हैं। ये हमारी क्लिप 1 है। अगर हम चाहें कि हमें एक और क्लिप ऐड करनी है, वैसे हमें एक ही क्लिप के अंदर ही सारा काम करना चाहिए, नहीं तो उससे हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। मगर अगर हम एक और क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो हम एक ऐड क्लिप पे जाके एक नई क्लिप ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर भी हम अलग अलग वीडियोस और इमेजेस डाल सकते हैं। जैसे मैं अब आपको दिखाऊंगी
कि क्लिप 2 के अंदर मैं कैसे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करूँगी। उसके लिए हमें इस रिकॉर्ड बटन को दबाना है। टेक्स्ट टू स्पीच, रिकॉर्ड वेबकैम, रिकॉर्ड स्क्रीन सब पेड है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो मैं जाऊँगी रिकॉर्ड ऑडियो पे। और जैसे ही मैं रिकॉर्ड ऑडियो पे गई, मेरे पास ये एक पिंक कलर का बटन आ जाएगा। जब मैं इसे क्लिक करूँगी और जो भी बोलूँगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस FDP में। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग हमें सुनाई देगी और हम इसको सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से। तो मैंने FDP हिंदी सेव करके इसे सेव किया। और जब हम इसे सेव करेंगे तो ये जो भी सारी हमारी सेव्ड हैं ये अपलोड होगी हमारी पर्सनल लाइब्रेरी में। तो आप अपनी पर्सनल लाइब्रेरी को सेशन के शुरू में ही बहुत सारी ऑडियोज़, इमेजेस और वीडियोस उसमें डाल के रख सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती जाएंगी वैसे वैसे आप उनसे अपनी वीडियोस क्रिएट कर पाएंगे। अब देखते हैं कि ये अपलोड होके पर्सनल लाइब्रेरी में कैसे नज़र आती है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारी जो ऑडियो है वो साउंड्स के अंदर मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में आ गई है। और हम इस ऑडियो को भी कहीं पर भी डालकर, ये हमारी ऑडियो यहाँ पे आ गई, ठीक है, हम इस ऑडियो को कहीं पे भी डाल के हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरी यहाँ पे क्लिप 2 के अंदर ही FDPH आ गई जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करी थी। ऐसे ही हम अपनी काफ़ी सारी इमेजेस भी पर्सनल लाइब्रेरी में अपलोड कर सकते हैं इस अपलोड मीडिया बटन का इस्तेमाल करके। जैसे ही हम अपलोड मीडिया का बटन का यूज़ करेंगे हमें यहाँ पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आएगा। इसको जब हम दबाएंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपकी इमेजेस कहाँ हैं। हम उन इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम उनको सिलेक्ट करके अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनल लाइब्रेरी है जिनका फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे अपनी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।